आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने 3 दिवसीय दौरे पर पलामू पहुंचे हैं और लगातार वो संगठन को मजबूत करने और एक केस के सिलसिले में वो पलामू पहुंचे हैं। हमारे साथ इस पूरे विषय पर बात करने के लिए पूर्व सांसद जेपी यादव जी हैं। सर से जानते हैं कि सर लालू प्रसाद यादव जी के आने का मुख्य कारण क्या रहा और संगठन को किस तरह से मजबूत करने की कोशिश चल रही है। माननीय लालू प्रसाद जी का कल जो है आचार संहिता का एक जो है केस है, तो उस सिलसिले में आए हैं। लेकिन 2 दिन का जो प्रवास है आदरणीय लालू जी का, कल से ही पूरे पलामू में इलाके में और झारखंड प्रदेश में हजारों कार्यकर्ता आ रहे हैं, सभी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात कर रहे हैं और उनका संदेश भी सुन रहे हैं। लगभग 5-6 सालों के बाद आदरणीय लालू जी पलामू के इलाके में आए हैं, 8 साल, तो एक लंबा अंतराल भी हुआ है। लेकिन जब आए हैं तो आप देख रहे हैं कि जो युवा तबका है, नौजवान तबका है, जिसकी उम्र जो है 20 साल से ऊपर की है, वो सब भी बड़े संख्या में आ रहे हैं। पुराने लोग भी आ रहे हैं, समाज के सभी वर्ग के लोग आ रहे हैं। तो जो हमारी पहचान आदरणीय लालू जी का राष्ट्रीय जनता दल का रहा है, उसमें कोई कमियां नहीं है। तो हम सदस्यता अभियान के माध्यम से हम झारखंड प्रदेश में, जैसे बिहार में हम मजबूती के साथ पार्टी को 1 नंबर का बनाए हैं, उसे झारखंड प्रदेश में भी अपने बेहतर सदस्यता अभियान संगठन क्षमता को बढ़ाते हुए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और अब तो युवा शक्ति का प्रतीक तेजस्वी यादव जी का भी आकर्षण है, तो सब शक्तियों को समाहित करके हम 1 नंबर की पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल को जो है झारखंड प्रदेश में बनाने के लिए जी तोड़ प्रयास करेंगे। और इसके लिए जो संगठन के तौर तरीके हैं वह जो है अभियान हम चला रहे हैं। 11 जून को आदरणीय लालू जी का जन्मदिवस है, उस दिन को हम 11 से 25 तक हम राष्ट्रीय जनता दल सदस्यता अभियान का स्पेशल पखवाड़ा मनाएंगे और बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान हम बूथों तक चलाने का काम करेंगे। और हम लगातार सांप्रदायिक ताकतों से लड़ रहे हैं, नफरत फैलाने वाली ताकतों से लड़ रहे हैं। देश की स्थिति आज क्या है, अच्छे दिन के नाम पर देश को आज जो है बर्बाद करने का काम किया है। अच्छे दिन आए नहीं, देश का बुरा दिन आए। क्या ऐसी कभी कमर तोड़ महंगाई आई थी, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, रसोई गैस का दाम। आज नौजवान मारे मारे चल रहे हैं, नौकरियां मिली नहीं, नौकरियों का झांसा दिया गया, 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, और जो भी नौकरियां थी उसको छीन ली गई, सभी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, रेल दे दिया, जहाज दे दिया, प्लेटफार्म दे दिया, क्या नहीं दिया। यानी देश को बड़े उद्योगपतियों और उद्योग घरानों के हाथों में जो है बेचने का काम किया गया है। लोकतंत्र पर हमला किया गया है, संविधान पर हमला किया गया है। देश का हालत बहुत खराब है, देश की स्थिति बहुत जो है नाजुक है। ये डबल इंजन की सरकार जो है, ये इंजन जो है घिसपिट गया है, जंग लग गया है। अब देश का नौजवान जगेगा, किसान जगेगा, मजदूर जगेगा और राष्ट्रीय जनता दल इन लड़ाई को मजबूती से आगे लड़ेगा आदरणीय लालू जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। सर क्या सेहत ठीक नहीं है सर की, लगातार बीमार चल रहे, तो आज कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे? लगातार मिल रहे हैं, कल भी मिले हैं 3 घंटा कार्यकर्ताओं से, आज भी सुबह में 6 बजे कार्यकर्ताओं से मिले हैं। तो फिर भी जो है शाम के वक्त में जो है जो कार्यकर्ता हमारे साथी आते जाते हैं सबसे मुलाकात करते हैं। तेवर वही है, तेवर बदला नहीं। जो ओरिजिनलिटी है, लालू जी की पहचान है, लोक भाषा में लोक संवाद, और देश में सबसे अधिक चाहने वाला किसी पॉपुलर लीडर का एकलौता नाम है, तो उस नेता का नाम है श्री लालू प्रसाद यादव जी, जिनकी पहचान भी है, पकड़ भी है, मास लीडर भी हैं, ताकत भी हैं, अब विचारों सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। वो हमारा पार्टी का जनाधार है, अब उसका व्यापक समाज के अंतिम जन को कैसे हम जो है
बेहतर से बेहतर सम्मान दें, इसके लिए हमारी पार्टी तैयार है। सर, झारखंड में कभी दर्जनों सीट हुआ करते थे आरजेडी के, आज सिर्फ एक है, क्या कोशिश होगी? दो दर्जन सीट भी होगा, हम पार्टी को बेहतर बनाएंगे, पार्टी को हम संगठन क्षमता के साथ जो है, हमारी पार्टी एक नंबर की थी या है और इसको बेहतर संगठन क्षमता के साथ इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम अपनी पार्टी को कौन नहीं बढ़ाता है, कौन नहीं करेगा? तो राष्ट्रीय जनता दल को हम एक नंबर की पार्टी बनाने के लिए जो प्रयास करना होगा हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, वो हमारा पार्टी का जनाधार है। और उसका व्यापक समाज के अंतिम जन को कैसे हम जो है बेहतर से बेहतर सम्मान दें, इसके लिए हमारी पार्टी तैयार है। सर, झारखंड में कभी दर्जनों सीट हुआ करते थे आरजेडी के, आज सिर्फ एक है, क्या कोशिश होगी? दो दर्जन सीट भी होगा, हम पार्टी को बेहतर बनाएंगे, पार्टी को हम संगठन क्षमता के साथ जो है, हमारी पार्टी एक नंबर की थी या है और इसको बेहतर संगठन क्षमता के साथ इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम अपनी पार्टी को कौन नहीं बढ़ाता है, कौन नहीं करेगा? तो राष्ट्रीय जनता दल को हम एक नंबर की पार्टी बनाने के लिए जो प्रयास करना होगा हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो पार्टी को बढ़ाने के लिए लगातार जो है वो कोशिश करेंगे, और दो दर्जन से अधिक सीट कोशिश होगी कि वो अगले चुनाव में आरजेडी झारखंड प्रदेश में लेकर आए। और जो नेता लालू यादव हैं वो तमाम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और कल सिविल कोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन मामले में पेश होंगे और अपनी उसके बाद वो पटना रवाना होंगे। श्रवण सोनी, कशिश न्यूज़, पलामू।